सो हे गाइस, ये वीडियो Redmi के Note 5 Pro स्मार्टफोन यूजर्स के लिए है और गुड न्यूज ये है कि हम लोगों के स्मार्टफोन के लिए Android 9 Pie का अपडेट आ चुका है। तो जैसा कि आपको पता है कि 2018 का बेस्ट सेलिंग डुअल कैमरा स्मार्टफोन था नंबर वन, तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके पीसेस सेल हुए थे। और 2019 में भी, जबकि ये मतलब एक साल पहले लॉन्च हो चुका था, फिर भी 2019 में भी इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब यूनिट्स सोल्ड हुए हैं। तो इसका क्रेज अभी कम नहीं हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है, इवन मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। तो आज या फिर मतलब इसी टाइम स्पैन में नोट 5 प्रो के जितने भी यूजर्स हैं उन्हें सॉफ्टवेयर का जो अपडेट है एंड्रॉयड 9 पाई का वो डायरेक्टली मिल रहा है और ये अपडेट 1.6 GB का है। तो चलिए मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको कैसे अपडेट किया और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स मेरे डिवाइस में एक्चुअली हुए इस अपडेट के बाद और ये अपडेट अच्छा है कि नहीं है। तो चलिए स्मार्टफोन की स्क्रीन पे चलते हैं। सो हे गाइस, ये अपडेट यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे जो मैंने अपडेट को फ़ोन को अपडेट पे लगा दिया है और ये अपडेट है एंड्रॉयड 9 का पाई अपडेट है। तो यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है, 80% हो चुका है और ये 1.6 GB का अपडेट है। तो आपके पास भी अगर Redmi Note 5 Pro है तो उसके जितने भी मतलब स्मार्टफोन्स हैं उसमें आ गया है अपडेट, और अगर आपके स्मार्टफोन्स में अभी तक अपडेट नहीं आया है तो आप कुछ दिन तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि एक दो हफ्ते लग सकते हैं, हो सकता है कि सारे स्मार्टफोन्स में अपडेट आने में मतलब टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। बट आई होप कि एक हफ्ते के अंदर आगे या फिर पीछे तक आपका जितना भी मतलब अपडेट होगा या फिर आप रिफ्रेश करेंगे सेटिंग में जाके तो आपका अपडेट आ जाएगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट आ चुका है और इसके क्या फीचर्स हैं मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो हे गाइस, यहाँ पे जो स्मार्टफोन है ये अप टू डेट है एंड्रॉयड 9 पे। आपको दिखा देता हूँ अबाउट फ़ोन और ये एंड्रॉयड वर्जन 9 पे है। तो इसमें लुक वाइज आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, केवल दो चेंजेस हैं जो कि एक है एंड्रॉयड 9 में सिस्टम वाइड डार्क मोड। तो अगर आप ध्यान से अगर वॉलपेपर जो अप्लाइड है इसको देखेंगे तो हल्का सा डार्कनेस जो है वो स्क्रीन में आ चुकी है, तो वो है सिस्टम वाइड डार्क मोड है। और अगर आप व्हाट्सएप भी ओपन करते हैं तो इसमें भी हल्का सा आपको डार्कनेस और जितने भी ऐप्स हैं उसमें देखने को मिल जाती है। और जो दूसरा मतलब लुक वाइज आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है, और वो ये है कि जब आपका डिवाइस लॉक होगा और आप चार्जिंग पे लगाएंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके मैंने रखा है, मैं दिखा दूँ, ऐसे आपको कुछ एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स टाइप के आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे कि मतलब आपका डिवाइस चार्ज हो रहा है। तो ये दो लुक वाइज मुझे चेंजेस दिखे हैं और अपडेट जो था वो 1.6 GB का था, बट उसके हिसाब से मुझे लुक वाइज बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले, क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब 1.6 GB का है तो ढेर सारे चेंजेस मुझे देखने को लिए मिलेंगे। बट आप भी देख सकते हैं कि लुक वाइज बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। तो जाहिर सी बात है आपको जितने भी चेंजेस हैं वो आपके इंटरनली मतलब सॉफ्टवेयर का चेंज हो गया है पूरी तरीके से, और जो फिजिकल ओवरव्यू है MIUI का और एंड्रॉयड का जो लुकअप है वो सब चेंज नहीं हुआ है। तो एक और वीडियो मैं कुछ दिन के बाद बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मतलब बैटरी परफॉर्मेंस और कैमरा इसमें सब में क्या इम्प्रूव हुआ है और कौन कौन सी नई चीज़ें आई हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें मैं कुछ दिन यूज़ करके करने के बाद ही बता पाऊँगा, क्योंकि ये जो अपडेट है मैंने आज ही अपना स्मार्टफोन को अपडेट किया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।